राधे राधे। हमारे बाल शिक्षा भागी चैनल में हमारे सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का एवं हमारे जो भी ग्रुप से जुड़े हैं, जो भी हमारे चैनल से भाई बहन जुड़े हैं, सभी को राधे राधे। देखिए, आज केंद्र सुखैया पर हमने सुपोषण दिवस का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारी धात्री माताएं, गर्भवती माताएं, 0 से 5 साल के बच्चे सभी एकत्रित हुए। और देखिए, मैंने अपनी जो है गर्भवती माता एवं धात्री माता को जानकारी दी है कि देखिए, हमारी जो गर्भवती माँ है उनको देखिए हरी साग सब्जी, चना, मूंगफली के दाने, मूंग की दाल, चने की दाल, चावल, हरी साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हरी साग सब्जी से हमें आयरन प्राप्त होता है। और जो हमारी धात्री माता हैं उन्हें जानकारी दी कि हमें जन्म से तुरंत बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए और 6 महीने तक हमें बच्चे को पानी भी नहीं देना चाहिए, माँ का दूध ही हमें देना चाहिए। 6 माह पूरे करने पर हमें बच्चे को ठोस आहार देना चाहिए। ठोस आहार में जैसे दाल है, दलिया है, खिचड़ी है, साबूदाना खिचड़ी है या खीर है, जी हमें ठोस आहार में बच्चे को देना चाहिए। और ठोस आहार के साथ साथ हमें स्तनपान भी जारी रखना है। 2 साल तक हमें बच्चे को दूध पिलाना है और ऊपरी आहार भी देना है। देखिए, आज हमारे केंद्र पर टीकाकरण भी हो रहा है। ये हमारी एनम बहन जी हैं, दिव्यांशी मैडम हैं, ये हमारी यासा बहन जी हैं, देखिए हमें दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है। हमें गर्भवती महिला को प्रोटीन, हरी साग सब्जी इन सब का सेवन करना चाहिए और दिन में 2 घंटे आराम की जरूरत है, 2 घंटा आराम करना चाहिए। क्योंकि जब हमारी माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा अपने आप स्वस्थ रहेगा, जब माँ ही कुपोषित हो जाएगी तो बच्चा कैसे स्वस्थ रहेगा। इसलिए हमें गर्भवती महिला का विशेष रूप से ध्यान रखना है। राधे राधे।